दोस्तों वैसे तो अभी तक कई ऐसे ट्रेन एक्सीडेंट्स देखे गए हैं जिन्हें सालों तक भुलाया नहीं जा सकता है, और ट्रेन एक्सीडेंट की दर्दनाक तस्वीरें और चीख पुकार तो इतनी भयावह होती है कि लोग उसे याद करने से भी डर जाते हैं। लेकिन अभी आप स्क्रीन पर जिस तस्वीर को देख रहे हैं उसे देखकर तो आपके होश ही उड़ गए होंगे, क्योंकि आपने कभी भी बड़े से बड़े एक्सीडेंट में भी ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीर को नहीं देखा होगा। ये तस्वीर सामान्य तस्वीरों से ज्यादा डरावनी क्यों है, ये जानने के लिए आइए आपको रूबरू करवाते हैं इस तस्वीर की पूरी हकीकत से। स्क्रीन पर दिखने वाली ये भयानक तस्वीर सन 1943 की है, और ये तस्वीर है ओहायो की एक ट्रेन की जिसका इंजन भाप से चलता था, और ये भयानक तस्वीर उसी इंजन की है। तस्वीर देखकर आपको इस बात का अंदाजा तो हो ही गया होगा कि इस इंजन के साथ साथ न जाने कितने ही लोग इस पटरी पर बलि चढ़ गए होंगे। लेकिन इस भयानक हादसे से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर स्टीम इंजन चलते कैसे हैं, तो इसलिए इसके बारे में आइए थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। आपको बता दें कि भाप से चलने वाले इंजन के अंदर सबसे पहले बॉयलर के नीचे आग लगाकर इसके अंदर मौजूद पानी से भाप बनाई जाती है, और इस भाप का प्रेशर कितना ज्यादा होता है इसका अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि उस भाप का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो भारी भरकम ट्रेन को अच्छी खासी स्पीड से अकेले दम पर ही खींच लेता है, और इसे चलाने के लिए इंजन में क्रू मेंबर बॉयलर के नीचे लगी भट्टी में लगातार कोयला डालते रहते हैं ताकि इंजन में ऊर्जा बनी रहे और ट्रेन आगे बढ़ती रहे। इस आग से निकलने वाली गर्मी बहुत सारे पाइप से होते हुए इंजन के दूसरी साइड में लगे हुए एक स्मोक बॉक्स तक जाती है, और वहाँ से काले धुएं के रूप में बाहर निकलती रहती है। इसमें एक खास बात यह होती है कि जिन पाइप के द्वारा ये हीट पास होती है उन पाइप्स के आसपास बहुत सारा पानी भरा होता है, और यही पानी उबल उबल कर भाप बन जाता है, और इस उपजी हुई भाप के अंदर काफी तगड़ा प्रेशर बन जाता था। अब ये तगड़ा प्रेशर आखिर जाए तो जाए कहाँ, तो इसलिए इस प्रेशर को स्टीम डोंग से होते हुए पिस्टन तक पहुँचाया जाता है, और इसी वजह से ट्रेन के पहिए घूम पाते हैं। इस टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन के कुछ ही दिनों बाद कुछ ऐसे इंजनों को भी बनाया गया जिनमें पाइप्स के बीच में सुपर हीटर भी लगाए गए थे। सुपर हीटर्स को लगाने के पीछे मेन कारण ये था कि बॉयलर से निकलने वाली भाप का तापमान जल्दी से और भी ज्यादा बढ़ जाए, जिससे निकलने से पहले ही भाप पूरी तरह से सूख जाती थी, और इसी को सुपर हीटर ड्राई स्टीम भी कहते थे। अब यहाँ एक जरूरी चीज जो समझने वाली है वो है बॉयलर के अंदर का प्रेशर। आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि इस बॉयलर के अंदर जो भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं जिन पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, और इनमें से अगर एक भी पुर्जा खराब हो जाता है तो ऐसी भयंकर तबाही मचती है कि जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। इसलिए सावधानी के तौर पर हर एक सफर के पूरा होने के बाद इस तरह के इंजन को पूरी तरह से चेक किया जाता था कि उनमें कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं आ गई है, क्योंकि अगर इसमें जरा सी भी चूक हुई तो इस इंजन से निकलने वाली ऊर्जा जानलेवा साबित हो सकती थी, जिसका अंदाजा आप इस इंजन की तस्वीर को देखकर लगा ही सकते हैं। ये समय था मई 1943 का, जब ओहायो के चिलिकाटो शहर में रहने वाले लोगों ने अचानक एक भयानक आवाज सुनी, और जब उस आवाज का पीछा करते हुए वो लोग रेलवे पटरी तक पहुंचे तो वहां उन्हें ये भयानक नजारा देखने को मिला। पटरी पर ये इंजन ठीक वैसे ही खड़ा था जैसा आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। एक्सीडेंट के वक्त इस ट्रेन का इंजन पूरी तरह से फेल हो गया था, और इसका मलबा दूर दूर तक बिखरा हुआ पड़ा था। इस इंजन में उस समय 3 क्रू मेंबर काम कर रहे थे, और दुर्भाग्य से उनकी उसी समय ही मौत हो गई थी, और उनके अलावा बाकी सभी लोगों की मौत भी इतनी भयानक थी कि देखने वालों की रूह कांप गई थी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस इंजन के चारों तरफ लोहे के पाइप निकले हुए हैं, और ये पाइप इंजन के बॉयलर में लगे हुए थे। दरअसल चलते चलते अचानक बॉयलर में भाप का प्रेशर इतना ज्यादा हो गया था कि ये लोहे के मोटे पाइप अपने चारों ओर लगी हुई लोहे की कई इंच मोटी चादर को फाड़ते हुए बाहर निकल आई। मतलब इस इंजन का बॉयलर पूरी तरह से फट चुका था, और इस बात से तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उन 3 क्रू मेंबर्स की क्या ही दुर्गति हुई होगी। इस दुर्घटना की छानबीन के लिए कई टीमों का गठन किया गया, लेकिन वो टीम इस दुर्घटना के पीछे के सही कारणों और दोषियों का पता लगाने में असमर्थ रही। दरअसल उस समय ट्रेन जिस दिशा में जा रही थी उस दिशा में थोड़ी चढ़ाई थी, और इसी वजह से ट्रेन की स्पीड काफी धीमी हो चुकी थी। आमतौर पर ऐसी स्थिति में ट्रेन को रोक दिया जाता है, लेकिन इस ट्रेन में मौजूद क्रू मेंबर ट्रेन को यहाँ पर रोकना नहीं चाहते थे, जिसके पीछे शायद 2 मुख्य वजहें हो सकती है। पहली तो ये कि उस समय इंजन के बॉयलर में पानी काफी ज्यादा कम था, और क्रू मेंबर बॉयलर का पानी खत्म होने से पहले ट्रेन को अगले स्टेशन तक पहुंचाना चाहते थे। इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि जानबूझकर ही पानी कम रखा गया हो, क्योंकि पानी कम रखने पर भाप जल्दी बनकर उड़ती है, और भाप वाले इंजन में पानी की मात्रा का बहुत ही अहम रोल होता है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड को बढ़ाना भाप पर ही डिपेंड करता है, और बिना पानी के तो भाप बनना ही असंभव है। ऊपर से पानी बॉयलर को ठंडा करने में भी अहम रोल निभाता है, तो ऐसे में अगर बॉयलर में पानी कम हुआ तो बॉयलर की लोहे की मोटी मोटी पाइप बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएंगी, और गर्म होकर पिघलना शुरू हो जाएंगी। अब आप समझ जाइए कि बॉयलर में भाप का इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो हजारों टन वजन की रेलगाड़ी को खींचते हुए पटरी पर अकेले ही दौड़ाती है, जो अपने आप में एक अकल्पनीय काम है। ट्रेन में उस समय एक इंजीनियर, एक ब्रेकमैन और एक फायरमैन इंजन एरिया के पास ही मौजूद थे, जो चंद सेकंडों में ही पता नहीं कहां विलीन हो गई। एक रिपोर्ट बताती है कि उस समय ट्रेन में जो ब्रेकमैन मौजूद था उसने इंजीनियर और फायरमैन को कई बार कहा कि बॉयलर में पानी कम है और तुरंत इसमें और पानी डाल दो, लेकिन वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ठीक उसी तरह किसी ने भी ब्रेकमैन की बात नहीं सुनी और नतीजा निकला ये भयानक हादसा। आज के समय की ट्रेन तो इतनी आधुनिक हो गई है कि आने वाले किसी भी खतरे को भाप कर वार्निंग अलार्म बजा देती है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, और जो भी निर्णय लेना होता था वो ट्रेन में मौजूद व्यक्तियों को ही अपनी सूझबूझ और अपने अनुभव के दम पर ही लेना होता था, जिस वजह से जब
जब भी पहले कभी भी इस तरह के हादसे हुए तो उन सभी हादसों के पीछे का कारण बॉयलर में पानी की कमी को ही पाया गया। आइए अब आपको अपने भारत के ही एक ऐसे ट्रेन हादसे के बारे में बताते हैं जिसे देखने वाले लोगों को आज भी जब वो सीन याद आता है तो डर के मारे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आज बिहार के मानसी गांव के पास बने धमारा घाट के आसपास के इलाकों में बसे लोगों से जब भी इस हादसे के बारे में पूछा जाता है तो वो यही बताते हैं कि लगभग 40 साल पहले जब उन्होंने यहां पर वो भयानक मंजर देखा था तो चारों तरफ तबाही ही मची हुई थी और लोगों की चीख पुकार दिल को दहला देने वाली थी। बारिश के मौसम में हर साल की तरह उस साल भी बिहार की नदियों में लगभग बाढ़ आ गई थी। बाढ़ के कारण बहुत सी चीजें रोक दी गई थी, लेकिन रेल यातायात पटरियों पर पहले की तरह ही चल रहा था और इन्हीं पटरियों पर दौड़े जा रही मानसी से सहरसा जाने वाली रेलगाड़ी में भी एक स्टीम इंजन ही काम कर रहा था। इस ट्रेन में 9 कोच थे और 9 में से 8 कोचों में लोग सफर कर रहे थे जिसमें ट्रेन पूरी तरह खचाखच भरी हुई थी और ओवरलोड हो चुकी थी। जैसे ही ट्रेन धमारा घाट के पास पहुंचती है तो उसका सामना होता है बागमती नदी से जो समय अपने पूरे उफान पर थी। नदी में इतना ज्यादा उफान था कि इस पर बने हुए पुल के ऊपर से भी पानी बहकर जा रहा था। जैसे ही गाड़ी पुल के ऊपर पहुंचती है तो ट्रेन के अंदर बैठे लोगों को बहुत ही तेज झटका लगा और देखते ही देखते ट्रेन के 9 में से 7 कोच नदी के अंदर जा गिरे और केवल 2 कोच ही पुल पर लटके हुए थे। अब क्योंकि एक लोकल ट्रेन थी इसलिए इसके अंदर बैठे यात्रियों की संख्या का अंदाजा लगाना तो नामुमकिन है, लेकिन ट्रेन ओवरलोडेड थी और जब यह हादसा हुआ तब उसके बाद रेस्क्यू टीम को आने में भी काफी टाइम लग गया जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। विडंबना ये थी कि अगर आसपास के लोग इन यात्रियों को बचाने की कोशिश करते तो शायद कुछ और लोगों की जान बच पाती, लेकिन वहां के लोग बचाने की बजाय उनके चीज सामान को लूटने की ज्यादा कोशिश कर रहे थे। इस एक्सीडेंट की जांच के दौरान जब वहां के आसपास के इलाकों की तलाशी ली गई तो लोगों के घरों से बड़े बड़े सूटकेस और काफी महंगा महंगा सामान मिला जो इस बात को पूरी तरह से साबित करता है कि ट्रेन में मौजूद लोगों के साथ अमानवीयता की सारी हदें पार करते हुए लूटपाट की गई थी। पानी के अंदर गिरने के कारण रेल के डिब्बों में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए नेवी की भी सहायता ली गई और नेवी ने नदी में जाकर पटरियों से उतरे रेल के डिब्बों को काट कर यात्रियों की लाशें और घायल यात्रियों को बाहर निकाला। रिपोर्ट के अनुसार नदी में 500 से 600 लोग गिर चुके थे जबकि ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से नदी से 88 लोगों को ही जिंदा निकाला जा सका था। हादसे के सही आंकड़े तो सरकार नहीं बता पाई क्योंकि उसके हिसाब से 250 लोगों के आसपास का ही सही पता चल पाया था, जबकि हकीकत ये है कि इसमें 500 से 600 यात्री सवार थे तो बाकी नदी में बह गई या उनका क्या हुआ ये कोई भी नहीं बता पाया। एक हैरान कर देने वाली बात बाद में और सामने आई कि उस समय ट्रेन में मौजूद दोनों ड्राइवर ट्रेन को उसी हालात में छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए थे क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि अगर वो पब्लिक के हाथों लग गए तो पब्लिक उन्हें पीट पीट कर ही मार डालेगी और इसलिए डर के मारे उन्होंने वहां से भागना ही सही समझा। बाद में जब 2 दिन बाद वो दोनों ड्राइवर रेलवे ऑफिस गए तो उन्होंने बताया कि पटरी पर अचानक ही गायों का झुंड सामने आ गया था जिसकी वजह से उन्हें इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा और यही कारण था कि इतना बड़ा हादसा हो गया। अब वजह चाहे कुछ भी हो लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लापरवाही के कारण सैकड़ों हजारों निर्दोष लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और ऐसा आज से नहीं बल्कि कई सालों से होता चला आ रहा है। खैर उन लोगों के बारे में आपका क्या कहना है जिन्होंने अमानवीयता की सारी हदें पार कर लोगों को बचाने की बजाय उनका सामान लूटना ज्यादा पसंद किया, हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।